अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातुह। नाज़रीन, आज मैं बहुत छोटी छोटी जिन स्वेटर की डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। उसके लिए हमने क्रीम कलर का ऊन लिया है और 20 फंदा पहले ही डाल लिया है। सीधी तरफ से सीधा बुन लिया, उल्टी तरफ से भी सीधा बुन जाएगा, दोनों तरफ से सीधा बुना जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उल्टी तरफ से पूरा सीधा बुन लेंगे। अब पूरा सीधा बुनने के बाद तब फिर सीधी तरफ से डिज़ाइन पड़ेगी। अभी पूरी करके बताते हैं। देखिए, उल्टी सिलाई पूरी हो गई है, सीधी तरफ से पूरा उल्टा उल्टा गांठ गांठ पड़ गया है। अब देखिए, इसको उतार लेंगे, एक सीधा बुन लेंगे। फिर इसमें जो गांठ के अंदर से डालेंगे, देखिए इसके अंदर से डालेंगे कि इसके अंदर से डालेंगे और सीधा बुन लेंगे तो एक खुल जाएगा, एक खुल गया। फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर गांठ के अंदर से डालेंगे, फिर एक सीधा बुन के दूसरा सीधा जो है ये गांठ के अंदर से, देखिए यहाँ से डालेंगे, यहाँ से डालेंगे। पहला इससे पहले वाला फंदा खुल जाएगा, फिर इसके अंदर से डालेंगे। देखिए, अब इसको सीधा बुनेंगे, इसको गांठ के अंदर से डालेंगे, इस इसके अंदर से डालेंगे, सिलाई वाले के नहीं, इसके नीचे वाले के अंदर से डालेंगे। लास्ट वाला ऐसे ही सीधा बुन लेंगे। अभी सीधी सिलाई पूरी होगी, उल्टे से फिर सीधा, दोनों तरफ से सीधा ही बुना जाएगा, उल्टे से पूरा सीधा बुना जाएगा। अभी बुन के दिखाती हूँ। ये उल्टी सिलाई पूरी हो गई, पहला फंदा उठा लेंगे, इससे पहले इस पर से अंदर से डाले थे, अब की दफ़ा इस पे पहले वाले पे डालेंगे अंदर से। फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर देखिए जो डिज़ाइन पड़ गई है इसके सीधे वाले से अंदर से डालेंगे। देखिए ये डिज़ाइन जो पड़ी है ना, इसके ऊपर वाले वाला जो फंदा उसी में से नीचे से डालेंगे। देखिए डिज़ाइन पड़ी, छोटी छोटी डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन जो पड़ी है उसके ऊपर उसके सीधे वाला फंदा वही उसी फंदे में, देखिए सिलाई के ऊपर वाले फंदे में नहीं, उसके नीचे वाले में से डालेंगे। एक को सीधा बुन लेंगे, एक को नीचे से डाल के बुनेंगे। अब फिर उल्टे से पूरा सीधा बुनेंगे। अभी बुन के दिखाते हैं। उल्टे से पूरा सीधा बुनेंगे। बहुत जल्दी, बहुत आसान डिज़ाइन, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब देखिए ये जो डिज़ाइन पड़ी है उसके ऊपर वाले फंदे में अंदर से डालेंगे। सीधा ही बुनेंगे लेकिन एक सिलाई नीचे से डालेंगे, खुल जाएगा। देखिए ये खुल जाता है, एक सीधा बुन लेंगे, एक नीचे से बुनेंगे। इसके अंदर से डालेंगे, यहाँ से डालेंगे, फिर एक सीधा बुन लेंगे, फिर यहाँ से डालेंगे, यहाँ ना डाल करके यहाँ से डालेंगे। पूरी अच्छे से बुन जाती है तो हनीकॉम की तरह से हो जाती है।
फिर उल्टी सिलाई बुन के बताते हैं। उल्टे से भी सीधा ही बुनेंगे। देखिए उल्टी सिलाई पूरी हो गई है, सीधे से फिर डिज़ाइन बताते हैं कि छोटी छोटी डिज़ाइन हनीकॉम डिज़ाइन कितनी प्यारी लग रही है। पहले को उठा लेंगे, अब देखेंगे हम किस पर अंदर से डाला जाएगा, जो डिज़ाइन पड़ी हो वो वाले फंदे पर अंदर से डाला जाएगा। अब इसको सीधा बुन लेंगे, तो देखिए जो इससे पहले डिज़ाइन जहाँ पड़ी है उसके अंदर से डालेंगे। अगर कहीं से भी डाल देंगे डिज़ाइन बिगड़ जाएगी। देखिए इससे पहले जो डिज़ाइन पड़ी है उसी फंदे के अंदर से डालेंगे। यहाँ से डालेंगे, ये इसके नीचे से एक को सीधा बुन लेंगे, एक इसके नीचे से डाल देंगे। ये डिज़ाइन वाला जो फंदा है उसी में नीचे से डालेंगे। ये जो सीधा वाला इसको सीधा बुन लेंगे, फिर इसको नीचे से डाल के सीधा बुनेंगे। देखिए इतनी प्यारी डिज़ाइन है। चलिए देखिए एक दफ़ा फिर बताते चलूँ, ये सीधा बुन जाएगा, ये डिज़ाइन वाले फंदे के ऊपर वाले से नीचे से डाल के बुना जाएगा। और ये भी बताते चलूँ कि डिज़ाइन बहुत ज़्यादा फैलती है, अगर आपको 100 फंदे का स्वेटर बुनना है तो 80 के बुनेंगे तभी सही होगा। इतनी प्यारी डिज़ाइन है। देखिए अगर आप अब बस करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।